नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। इस वक्त एसडीएम ऑफिस के सामने किसान बैठे हैं और उन्हीं के साथ मैं बैठा हूं। यहीं से शुरुआत हुई थी। अगस्त का महीना था, एबीसी इंडिया का यही माइक था, यही भाटी साहब थे, यही बुजुर्ग थे, सभी यही लोग थे जिन्होंने यहाँ से एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत की और भारत के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ वो आंदोलन दिल्ली पहुँच गया। आज सरकार के नाक में दम है। भाटी साहब दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली रह के आयो 25 दिन रह के आयो, हालचाल बताओ दिल्ली के। पहले तो हमारे लिए तो दिल्ली के हालचाल अच्छे नहीं हैं, पर दिल्ली के लिए दिल्ली के हालचाल जो वो किसान बैठे हैं उनके, आप देखो इतनी ठंडी और इतना हवाएं, ऊपर से बरसात, ऊपर से सरकार से लड़ाई, तो दिल्ली के हाल अच्छे कैसे हो सकते हैं। दिल्ली में घुसना किसान के लिए ऐसा जुर्म है जैसा बहुत बड़ा गुनाह करके आए हूँ। हम चोर नहीं, डाकू नहीं, ठग नहीं, फिर क्यों रोका गया किसानों को? जाने दें संसद तक, जहाँ चोर बैठे हैं, जहाँ ठग बैठे हैं, उनको निकाल के कोई वो आदमी वहाँ पे बैठे जो देश को भी चला सके और लोगों को भी सुखी रख सके। ये दुख देने वाले क्यों बैठाए हैं वहाँ पे? इसलिए हम दिल्ली के बॉर्डर पहुँचे। जब ये बात आती है कि भाई दुख देने वाले क्यों बैठाए, तब एक सवाल उठता है। सरकार कह रही है हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार कह रही है आप बातचीत के टेबल पर आओ, आप यस नो पर मत रहो, क्योंकि यही भाटी साहब ने आज से कुछ टाइम पहले बोला था कि हम MSP दे दीजिए, कानून बेशक रख लीजिए। अब आप कहते हो कि नहीं, कानून भी रद्द करवाएंगे। क्या दिक्कत हुई, ऐसा क्या हुआ कि जो पहले एक बॉन्ड था, बातचीत का बॉन्ड था, वो अचानक जो है वो टूट गया और बस हाँ नाम पर बात अड़ गई? पहले भी यही डिमांड थी, 2014 में जो वादे किए थे क्यों भूले? आप भी वही डिमांड है भाई, 2014 में जो वादे किए थे वो याद करो, ये तो मांगे ही नहीं थे। अच्छा सर, आप भी गए थे, क्या कहोगे दिल्ली के बारे में, क्या मिजाज है दिल्ली का? क्योंकि कभी महेंद्र सिंह टकैत का आंदोलन था 32 साल पहले, उसके बाद ये दूसरा ऐसा आंदोलन है जिसमें लग रहा है कि सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार को तो मानना ही मानना पड़ेगा, इससे पीछे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे किसान यूनियन ने। ये तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, चाहे आप मान ले, चाहे महीना ठहर के मान ले, चाहे 6 महीने ठहर के मान ले, मना के पीछे हटेंगे नहीं तो नहीं हटेंगे। उग्रवाद संगठन का जो एक पोस्टर दिखाए गए थे सरजिल इमाम के, उमर खालिद के, उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए, वो क्या था? सरकार पता नहीं क्या क्या खेलें खेलती है, किसी ग्रुप में बढ़ के किसी ग्रुप में अपने आदमी बाढ़ के, उन्होंने खालिस्तानी बनाया, उन्होंने हमें कांग्रेसी बनाया, उन्होंने अपोजिशन पार्टियों का एजेंडा बना दिया, जे टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया, बड़ा कुछ बनाएगी, पर किसान तो किसान ही रहेगा। किसान जन्मा था, आज किसान का बेटा सरहद पे राखी कर रहा है, किसान खेत में दुनिया का पेट भरने का काम कर रहा है, और पेट भरने के अपने पेट की लड़ाई के लिए किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा है, चारे पासों घेरा डाला। अच्छा, चिल्ला बॉर्डर खाली हुआ, भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप ठाकुर जो हैं भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के, उन्होंने एकदम छोड़ दिया चिल्ला बॉर्डर, कह दिया कि सरकार जब MSP दे रही है तो लेकर ख़त्म करते हैं, वो क्या था? जो सरकार के आदमी हैं, सरकार ने बिठाए होते हैं, इससे पहले कभी सुना था भानु प्रताप का नाम? इससे पहले आप महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुन सकते हो, था, मगर भानु प्रताप का नाम नहीं था। अभी और बड़े बैठे हैं वहाँ पे, जिन्होंने कल भी 10 यूनियनों ने मीटिंग की है सरकार ने, पहले कहते थे 20 संगठन हमारे पास आ गए, फिर कहते 13 संगठन हमारे साथ बात करने आ गए, वो भी 40 संगठनों ने भेजे थे। सरकार ने बहुत अफवाहें उठाई है, पर पहली बार सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। जैसी अफवाह उठाती है, इसने 2 अपनी एक्ट्रेस भी खरीदी, भी इनको जैसे करा देंगे ऐसे करा देंगे, कंगना लियांगी, फंगना लिया दी, और उनकी भी जो थी ना वो जितनी उनकी आईडी थी सब हमारे बच्चों ने वो भी हैक कर दी। पहली बार है, वो कहते थे ना अनपढ़ किसान बैठा है, उनको दिखा दिया पढ़े लिखे भी हैं। कैसे रहा बाबा जी वहाँ पे सब कुछ? आए मजे आए पूरे एकदम, मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पे माहौल भी अच्छा है, हैं? मजे तो कहदे आने असी जी, असी की तो किन्ने दुख च गए हैं, बच्चे की आखणगे सानू भी की साढ़े बुजुर्गों ने करके गए साढ़े पिछे। बुजुर्गों ऐ दसो, उत्थे मैं सुनया है भी लोग बई खुश रहने वास्ते हुण बंदे नूं हर अपने वर्गे पिंडां दे बंदे तां हर थां ते खुशी लभ लैंदे है।
खुशी तो गुरु महाराज सानू रखते ही है 24 घंटे साढ़े दर्शन होए नौजवानों ने अगे टाकरे ले सानू खुशी चढ़ी गई असी उदू धक्के उदू तकड़े मारे उन्होंने भी असी बैरीकेड तोड़े तो कई गल दो बारी गिरफ्तारियां भी दित्तियां उदों भी असं ललकार के जिथे आख्या उत्थे छड़ना पिया सरकार नू वधिया गुरु महाराज की कृपा है जी असी दुबारे भी जावांगे परसों ते ए जित के आवांगे जित के ही आए हैं। अच्छा अब परसों जाने का प्लान है क्या? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਹਾਂ। 25 ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ 25 ਦਿਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਪਲਾਨ? 20 ਤਰੀਕ ਕੋ ਚੱਲੇ ਥੇ ਹਮ ਜਹਾਂ ਸੇ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਬ 23 ਤਰੀਕ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਏ ਹਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਫਿਰ 23 ਤਰੀਕ ਕੋ ਇਸ਼ਾਰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਤੋ ਇਸ਼ਾਰ ਪਤਾ ਚਲਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਆਦਮੀ ਤੋ ਉਠਾ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਥਾ ਹਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹਮਾਰੇ ਥੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਮਨੋ। ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਾ? ਦੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਸਨ 88 ਮੂਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਹਾਂ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਕੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਹੈ। अब वो एक वोट क्लब में हुए थे आज 5 करोड़ों पे लाखों की गिनती में करोड़ों की गिनती में पहुंच कर 2 लाख से ऊपर ट्रैक्टर ट्राली अब पहुंच चुका है वहां पर। हाँ वैसे आपको दोस्तों बता दूं कि दिल्ली से आने वाले लोगों से बातचीत हम करते रहें ये बातचीत ख़त्म होने वाली नहीं है लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसा ही एक आंदोलन आज से 32-33 साल पहले महेंद्र सिंह टकैत के नेतृत्व में हुआ था जिनके पारिवारिक सदस्य ही हैं राकेश टकैत जो अब इस वक्त वहां पर किसान आंदोलन में किसानों के साथ डटे हुए हैं। ये पहला आंदोलन दूसरा ऐसा आंदोलन है हिंदुस्तान के इतिहास का जिसमें सरकार को माननी ही पड़ेगी बात और पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें किसान को कुछ दे रही है सरकार और किसान जो है उसे लौटाने के लिए आए हैं क्योंकि हमेशा हम मांगने जाते हैं सरकार से कि बिजली का बिल माफ़ कर दो या लिमिटों का जो है प्रावधान अच्छा कर दो या बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो ये आंदोलन अब अपने कौन से अंजाम पर पहुंचेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन आज इतना बता दूं कि दिल्ली से ये लोग जो हैं ये लौट कर आए हैं 25 दिन ये वहाँ पर रहे। अब इनका कहना है कि दोबारा जिस दिन संगत आदेश करेगी हम उस दिन फिर दिल्ली चले जाएंगे।